आज बागेश्वर धाम पर भी एक आरोप लगाया गया। 100% 1% का 100% ये जो आज शोषित हो रहे हैं, जो ये दिल्ली जम्मू कश्मीर से जो पैसा लाते हैं सब वहाँ चला जाता है। आप ये बताइए, संविधान में लिखा है क्या कि SC ST की महिलाएं हमारी बहनों को अर्धनंगा नचाएं? ये मनुस्मृति का, ये बाबा साहब का संविधान है, ये किसी की बपौती नहीं है, बाबा साहब का संविधान है। आप हम कह दें कि आप अपनी बहन बेटियों को नचाएं, नचाएंगे क्या? हमारे ही पुरखा, हम लोग भूत बताते हैं, और कुम्हार मर जाए चमार बसोर मेहतर मंगाए और इनका मिल जाए तो जिन्न बताएंगे, हमारे भाई जान के पिताजी मर जाए तो जिन्न बताएंगे, और आपके देखो आप सुनते जाओ और उनके पिताजी मर जाए तो देवता हो जाएंगे, उनकी महतारी हो जाए तो देवी हो जाएंगी। तो हमारे को जिंदा में जूते मरवाते हो और मरने के बाद हमारे बाप को, हमारी माँ को और हमारे ऊपर जूते मार के बताते हो, मरवाते हो। विधायक जी, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि आप लोकप्रियता हासिल करने के लिए बागेश्वर धाम को टारगेट कर रहे हैं। मेरे ऊपर प्राण घातक हमला हुआ और उनके शिष्यों ने कहा, मेरी माँ बहन की गाली दी मेरे को, ये कहा। अब आप सुनिएगा जो मैं बता रहा हूँ, पर उसकी पहले जांच कर ली जाए। उनने स्वयं कहा है कि अगर बागेश्वर धाम के बारे में बोला जाएगा तो हम जिंदा जला देंगे और मारा भी। अगर हमने गलत किया है, मैं तो वहीं बैठ गया था, मेरी जांच कराए ना, अगर मैं गलत हूँ मुझे फांसी की सजा दें। लेकिन ये लोकप्रियता, इनके लोकप्रियता मेरी बढ़ेगी, इनसे बढ़ेगी। मैं मंडी अध्यक्ष रहा, जिला पंचायत अध्यक्ष, लड़के को विधायक बना, लड़के को जिला पंचायत अध्यक्ष, इनके बदौलत बनता है क्या? इनने कौन सी मेरी लोकप्रियता बनाई है? एक दरबार नहीं चल रहा है, पांडुखर सरकार का चल रहा है, और भी अन्य दरबार। देखो उनके देखो जिसके दरबार, मेरे यहाँ दरबार जो चल रहा, मेरी बहन बेटियाँ यहाँ हैं। मैं दिल वाला नेता हूँ, दल वाला नहीं हूँ, मैं लोगों के दिल में बसा हूँ, दल वाल से मुझे मतलब नहीं है। जो मुझे दिल टिकट देगा उसका मैं हूँ। विधायक जी, सोशल मीडिया पे लगातार ऐसी पोस्टें और वीडियो वायरल हो रहे हैं कि आप छतरपुर जिले की जो जातीय समीकरण है उसमें को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ बिल्कुल, अगर ये जाति किसने बनाई, हमारे बाप ने तो नहीं बनाई। अरे जिसके बाप ने जाति बनाई, जात समाप्त करो ना, जाति बांधो। अगर माँ अपने बाप को बाप कहते हो, अगर माँ को हमारी माँ है भारत माँ, तो भारत माँ के लालो भारती लिखो ना। क्यों मूर्खता करते हो, क्यों गद्दारी करते हो, क्योंकि जात के नाम पर शोषण करते हो, क्यों बैकवर्ड को बांटते हो, क्यों मानव मानव में घृणा फैलाते हो? भारती लिखो। जब हमारा सबका बाप भगवान है, हमारी माँ भारत है, तो भारती लिखो ना, हम लिखने को तैयार हैं। लेकिन इनकी इतनी बड़ी पूंछ है ना, पूंछ से पूंछ बनती है। हमारे यहाँ हगुआ पदुआ बैसखुआ हम लिखेंगे क्या? हमारे लोग IAS IPS आई कलेक्टर, ये लोग अपना नाम बदलते हैं, भैया लिखो ना नाम। हम तो कह रहे हैं, हम तैयार हैं कि भारतीय लिखो, संविधान में संशोधन करो, ना कोई आरक्षण की जरूरत, ना कोई बाबा की जरूरत, ना कोई देवी देवता की जरूरत, मान सम्मान की जरूरत है। अगर आप सही भारतीय हो, या तो हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और है। अच्छा, ये सब झूठ पाखंड फैला रहे हैं, पाखंड के नाम से लूट रहे हैं। जिस दिन जाति समाप्त हो जाएगी ना, ये पाखंडियों को मैं बता रहा, रोटी का है इनको भांटा तक नहीं मिलेगा। विधायक जी, लगभग 10 वर्ष से ऐसी दरबार चल रहे हैं, लेकिन आज ही आपको अचानक याद, जब आज ही मेरे ऊपर घृणा, मेरे ऊपर जब घटना घटी तब मैंने कहा, और मैंने ये कभी नहीं कहा, आपने ये क्यों कहा कि DNA टेस्ट कराना चाहिए आपके लोधी का, प्रीतम लोधी का? तो मैंने कहा आप अपना पहले DNA टेस्ट कराओ। मैंने कौन गलत कहा भाई? आप सही है तो अपना कराओ ना। अगर मुझे मान लो TB के मरीज हूँ मैं, तुमने कह दिया, तो आप, मैं कह रहा हूँ आप TB के मरीज हो, आप अपनी जांच कराओ। मैं कौन गलत कह रहा हूँ? आप अपनी जांच कराओ ना यार, दूध का दूध दुनिया भर में बता दोगे। अभी आप सर्वे कर लो, RD प्रजापति लहसुन ना खाए, और यहाँ से हम दारू पिए, तो मैं दारू पीता तो मेरी जांच हो, वो पीते हो उनकी जांच हो। मैंने कहा गलत किया, कौन सा गलत कर दिया मैंने, कौन सी फांसी लगा दी मैंने? छतरपुर में OBC महासभा, उस मंच से आपके द्वारा ब्राह्मणों को लेकर, कौन सा आप बताइए ना मुझे, आप कौन सा मैंने ब्राह्मण को गाली दिया है? मुझे फांसी चढ़ा दिया अगर ब्राह्मण को गाली दी हो, बताओ। मैं सब ये कह रहा हूँ, मुझे फांसी की सजा दी जाए अगर ब्राह्मणों को मैंने गाली दी है। ये जो यहाँ कुछ लोग आए हैं, आज तक जब से मैं पैदा हुआ, मैं 40 साल से राजनीति कर रहा हूँ, ना मेरे एक ब्राह्मण कभी ऐसा अशब्द बोला, ना ठाकुर बोला, ना बैस बोला, ना कुर्मी काछी यहर गड़रिया। जो यहाँ बाहर के लोग आए हैं ना,
अपनी रोजी पकाने के लिए, अपना माल यहाँ के लोगों के खींचने के लिए ये जातवाद फैला रहे। आपने राजनगर विधानसभा के राम लक्ष्मण का उल्लेख किया था अपनी सभा के दौरान, उस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? अब राम लक्ष्मण आप भी जानते हो, सीता पता नहीं कहाँ है। राम लक्ष्मण सबको ही जानता है, और राम लक्ष्मण यहाँ वनवास में आए हैं और कुटिया बना के रह रहे हैं। कुटिया नहीं है ये, अरे आप छोड़ो कुटिया नहीं, यहाँ ये जो आप ताजमहल है, ताजमहल फीका है। कहाँ से आ गया ताजमहल? EDRD के है, CDRD के है, SC ST के लिए EDCD है। यहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है? या तो बागेश्वर धाम दे रहे होंगे, ये फिर कहाँ से माल आ रहा है? कौन सा काम कर रहे, कौन सा बिजनेस बताओ ना यार। वहाँ छापा नहीं घल रहा, वहाँ ढलेगा, जिस दिन ढलेगा तो इनकी नौकरी और चली जाएगी EDCD के, वहीं से EDCD चलती है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, हम नहीं कह रहे, माननीय बागेश्वर धाम के चरणों में स्पर्श करते इनको, तो आप ऐसा करिए ना, जब ये दुनिया की सब चीज़ जानते हैं तो इनको एक जगह बैठाइए, पुलिस को हटाइए, मिलिट्री को हटाइए, काहे को मिलिट्री लगाए हो? जहाँ कोई आतंकवादी घुसेगा उसमें साइल दाग देंगे। और ये पैसा काहे का मांग रहे? अरे पैसा क्यों मांग रहे हैं? एक फूंक मारे 5 क्विंटल सोना आ जाए, RD को हमला क्यों करा रहे हैं? एक फूंक मारे RD ने पुट जाए। नहीं हम तो कह रहे हैं ना, फूंक मार दो ना यार, हम तो कह रहे हैं हमने पुट जाए, तुम आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। ये माल जो आ रहा है अरबों का, जिस दिन ये पिछड़ा वर्ग पैसा देना बंद कर देगा ना, ये भभूत फूंक कुछ नहीं आएगी, लार गुटकते रहोगे, भैया हमारा है, खाए धोती वाला, खाए टोपी वाला, ये गरीबों का पसीना है। जिस दिन पैसा देना बंद कर देंगे, जिस दिन वोट देना बंद कर लेंगे, पंच नहीं बनेंगे, पंच पंच, ये RD कह रहा पंच, ज्यादा दादागिरी नहीं, ठीक है। अपने खुद की सुरक्षा बढ़ाने के लिए आज यहाँ पर पहुंचे? मैं कुछ नहीं, मेरी तो सुरक्षा मैंने कह दिया, बढ़ाओगे तो बढ़ाएंगे, हम एक्सपायरी डेट है, एक्सपायर जानते हो, एक्सपायरी डेट के गोली होती है, एक से हम पूर्व विधायक, एक जब हो जाता है जो गोली खाता है, जैसे आपको रोग है तो जो एक्सपायरी गोली खाओगे ना रोग रहेगा ना रोगी रहेगा। अच्छा तो विधायक जी, तो हम एक्सपायरी डेट की रोग, एक्सपायरी डेट की, अरे मरी सुनो, हम एक्सपायरी डेट की गोली हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, हम माठा हैं, चाहे पूरा नींबू डाल दो कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लेकिन अगर हमने थोड़ा ये शुद्ध घी में एक बूंद डाल दिया ना तो कुछ नहीं बनेगा, फकर जाएगा। सर एक्सपायरी डेट की गोली जनता खाएगी तो उनको नुकसान नहीं होगा? जनता क्यों नहीं, जनता तो खाते ही नहीं है, जनता का तो मैं सेवक हूँ, जनता क्यों खाएगी? वही खाएंगे जो हमें मारना चाहते हैं, वो काहे खाएंगे? ये तो मेरे पोषक हैं, ये मेरा पोषण करते हैं, और वो शोषक है। सांसद जी के लिए भी आपके द्वारा? अरे हम जो हम, अरे मैं इसलिए कहा कि समान सीट में हम चुनाव नहीं लड़ सकते, ST सीट में हम चुनाव नहीं लड़ सकते, बैकवर्ड सीट में हम चुनाव नहीं लड़ सकते, और 70 वर्ष में अगर ऐसी सीट आई तो भैया हम कब लड़ेंगे चुनाव? इनको क्या है, वोट भर देते रहे का? इनको वोट बनाए, सांसद बनाए, विधायक बनाए, और हम कहा के भाटा छीलें क्या? हम खसुआ की औलाद हैं क्या? हम नेता नहीं है क्या? टीकमगढ़ छतरपुर में एक भी नेता नहीं है क्या? ये बाहर के लोग लाते हैं, वहाँ 3 पंचवर्षीय ने संसद गिरी की, और हमारा 3 पंचवर्षीय कैसा है? सबका विकास सबका साथ, ये कहो वीरेंद्र कुमार का विकास वीरेंद्र कुमार के साथ, तो हम उसी दिन बंद हो जाते हैं। आपकी विधानसभा में भी बाहरी प्रत्याशी आए थे? आए ना, हम तो स्वागत करते हैं, लोकसभा से आए थे, वो यहाँ से जीत के भी। देखो हम बता रहे, सामान सीट में कोई कहीं से लड़ सकता, मेरी बात सुनिए, रिजर्व सीट वालों का भारत में कोई टिकट नहीं देता, रिजर्व वालों को रिजर्व में ही दिया जाता है, सामान सीट में देने लगे तो हमें रिजर्व की जरूरत नहीं रहे। हम तो कह रहे हैं मुझे खजुराहो से दे दो, दो ना यार, कौन देने को तैयार है? अरे हम तो तैयार है पूरे भारत से यार, हम काहे के लिए, हम का झुंझुना बजाने वाले नेता है का? की तो बारात तुम्हारी जाए झुंझुना, RD बजा बस पर, हमारा झुंझुना नहीं बजाते, बारात हमारी जाएगी तभी झुंझुना बजाएंगे, और नहीं तो हम झुंझुना को फोड़ और डालेंगे, हम बजाने वाले नहीं। देखिए इसके बारे में मेरा कहना है, कोई मेरे बारे में कोई कुछ के मुझे इसकी चिंता इसलिए नहीं होती, मैं उनका सम्मान करता हूं और मैं सबका सम्मान करता हूं। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी का, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं, मेरी जिम्मेदारी है, मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मेरे क्षेत्र में इस प्रकार के विद्वेष फैलाने वाले जो लोग हैं वो इस प्रकार की चीज़ें न हों। सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के मंत्र पर हम काम करते हैं, और आज हमें गर्व है इस बात का कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर समाज वर्ग को साथ लेकर, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हर समाज वर्ग को साथ में लेकर के हम काम करने वाले लोग हैं।
मैं तो सभी कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ, हम सब लोगों को इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार के शब्द ये योजनाबद्ध तरीके से लोग करते हैं, क्योंकि जब कुछ मिलता नहीं है तो क्या किया जाए, राजनीति कैसे चमकेगी, तो लोग इस प्रकार की भाषाएं बोलते हैं जिससे जातिगत विद्वेष कैसे फैलेगा, धार्मिक विद्वेष कैसे फैलेगा। इसलिए मेरा तो अनुरोध है कार्यकर्ताओं से कि इस प्रकार के चीज़ों में न पड़ें। जैसा एक हम सब मिलकर के काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो एक ऐसा पुष्प है, ऐसा समुच्चय है कि जिसमें सभी समाजों के लोग, हमारा तो प्रयास है कि हम सबको लेकर और कैसे प्रयास करें, हम तो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं तो उनका भी बड़ा गहराई से सम्मान करता हूँ। लेकिन इस प्रकार के लोगों के बारे में मेरा स्पष्ट मत है, योजनाबद्ध तरीके से कुछ लोग ऐसे प्रयास करते हैं, उनसे हम सब लोगों को बचने की ज़रूरत है। और इस प्रकार का वातावरण कोई न बनाए और बनाने का प्रयास करता है तो उसका भी हमें ध्यान रखने की जरूरत है। और मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि ऐसी चीज़ें समाज में ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इससे वातावरण बिगड़ता है, और हम वातावरण बिगाड़ने के लिए नहीं है, हम तो एक सब लोग मिलकर के आगे कैसे बढ़ें, हम तो भारत माता के सपूत हैं, भारत माता के जय और वंदे मातरम के नारे पर काम करते हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि हम सब मिलकर के अपने क्षेत्र को भी आगे बढ़ाएं, विकास की बात हो, गरीबों के कल्याण की बात हो, और गरीबों के कल्याण के आधार पर हर समाज वर्ग के लिए, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ और गंभीरता से कहता हूँ कि जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हर गरीब का जीवन बदलने का काम किया, जो किसी भी समाज का होगा, किसी भी क्षेत्र का होगा, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो ये विश्वास जनता का जागृत हो रहा है। इसके लिए तथा कथित कांग्रेस वगैरह वगैरह वगैरह, जो मैंने कहा कि जो जीन से फूट डालो राज्य करो, ये उसी का एक हिस्सा है जिसमें लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। मेरा तो अनुरोध है कि हम सब लोग इन चीज़ों से बचें और अपने क्षेत्र के विकास को गति देने का काम करें। बहुत